नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में, जहां पर ऐसी जगह में आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, लेकिन उससे भी अहम है कि मेरे साथ जो व्यस्क बैठे हैं, जो अडल्ट हैं, वो सब डॉक्टर्स हैं या किसी न किसी तरीके से हेल्थ केयर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो मौतों का सिलसिला जारी है, वो आखिर क्यों होता है? हमारे देश में ये स्थिति पैदा ही क्यों होती है कि बच्चे मर जाते हैं और उनको इलाज नहीं मिल पाता है? दूसरी तरफ हमने बरेली में देखा, उत्तर प्रदेश के, कि किस तरह से एक 5 दिन की बच्ची की मौत हो गई क्योंकि उसे एक अस्पताल के एक विंग से दूसरे विंग तक दौड़ाया गया जब तक वो मर नहीं गई। तो ये सब आखिर क्यों होता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ये सारे डॉक्टर्स हैं। ये एक्सट्रीम स्पेशलिटी में जिसे कहूंगी, उससे लेकर के हमारे पास स्पीच थेरेपी तक, तो आपके पास यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज के भी डॉक्टर हैं, इन सबसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगी जिनकी ये फैसिलिटी है, जहाँ बच्चे आए हुए हैं, जहाँ इनको पढ़ाया लिखाया जाता है, एक ओपीडी भी चलाया जाता है। प्रत्युष, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और क्या काम करती है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम न्यू दिल्ली चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर हम बच्चों को हेल्थ केयर से रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हम हर महीने बच्चों के लिए हेल्थ केयर कैंप लगाते हैं, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग मेडिसिन्स वगैरह फ्री में देते हैं बच्चों। और ये बच्चे कहाँ से आते हैं? हम ये कैंप हर जगह करते हैं दिल्ली में, और दिल्ली के बाहर भी अलग अलग शहरों में हम करते हैं। यहाँ पर आसपास के बच्चे आते हैं हमारे सेंटर में, जो ओपीडी चलता है, जिसमें डॉक्टर दिल्ली से वॉलंटियर करते हैं। किस सेगमेंट के बच्चे होते हैं, किस वर्ग के? ये सब ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज सेक्शन बच्चे हैं, जो लेबर क्लास के बच्चे हैं, खासकर माइग्रेंट लेबरर्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके बच्चे आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते हैं, जिनको अवेयरनेस की कमी होती है कि कहाँ पर जाना है, उनके लिए इवन 2 घंटे 1 घंटे भी हॉस्पिटल के लिए निकालना मुश्किल होता है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उनके पास सुविधाएँ नहीं होती हैं, जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग हमारे पास आते हैं और हम उनकी जितनी भी तरह से सहायता होती है करते हैं। प्रत्युष, ये तो दिल्ली है और मैं तो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी बुरी नहीं है। हम कई बार दूसरी जगहों के बारे में अगर देखें, ऐसे ऐसे इलाकों में हम जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। आपके एक्सपीरियंस में क्या वजह रह जाती है कि इस तरह के बच्चे सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं, क्यों आपके पास आ रहे हैं? सरकारी सुविधाएं तो हैं, बट शायद उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे लोग जो हैं उनको हेल्थ केयर के रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, बट शायद उतनी तेज़ी से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो नहीं आ पा रही हैं, और साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो सरकारी अस्पताल में भी, मतलब जो बेसिक कॉस्ट है या वहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट, पहुँच नहीं पाते, वहाँ पर लाइन इतनी लंबी है, लोग उतना समय नहीं दे पाते, उनको हेल्थ केयर की सुविधाएं तुरंत चाहिए क्योंकि इमरजेंसी होती है, और इमरजेंसी में पहुँच नहीं पाते लोग दूर पे, या उनके पास टाइम नहीं होता कितना दिन दिन भर लगा कर लाइन लगाएं या एक जगह से दूसरी जगह जाएं। हॉस्पिटल और जो जांच की सुविधाएं वो काफ़ी नहीं है वहाँ पर। हम लोग यहाँ पर थेरेपी भी बच्चों की करते हैं, जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, बाहर में बहुत ही कम सुविधाएं हैं उन बच्चों के लिए। और अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरत है उनकी, गवर्नमेंट कर रही है, बट हमें आई थिंक हमारे जैसे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जानकारी है, डॉक्टर्स हैं, सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, इतने लोगों की ज़रूरत है, तभी ये पूरी हो सकती है। तो हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, डॉक्टर गौरव हैं, यहाँ पर वॉलंटियर वर्क करते हैं, बच्चों की हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव, आप US में भी काम कर चुके हैं, अब आप यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं, भारत में ऐसी क्या कमियाँ रह गई हैं जो कि दूसरे देशों के प्राइमरी हेल्थ केयर से के मुकाबले अगर हम खड़े हो जाते हैं, क्या सिर्फ जनसंख्या ही वजह है? मेरे को लगता है कुछ एक वजह हैं, जिनमें से एक दो मैं पॉइंट आउट करूँगा। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में जो पैसा दिया जाता है हेल्थ केयर के लिए, जो अलॉट किया जाता है, वो इंडिया में मेरे को लगता है काफ़ी कम है। दूसरा, जैसे इंडिया के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैंने काफ़ी काम किया है, उनके अंदर मेनली ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा किसी बीमारी से पहुँचता है, उसको कुछ टेस्ट कराना है, उस टेस्ट का रिज़ल्ट 3 दिन बाद आएगा, फिर उसके बाद कोई एक्सरे होना है, उसका रिज़ल्ट तब आएगा, उसको 3 स्पेशलिस्ट से मिलना है, उसके लिए उसको फिर किसी और दिन की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो इस तरीके से प्रॉपर केयर हो नहीं पाती, एक ही टाइम पे या फास्ट इफेक्टिव वे में उसको इलाज मिल नहीं पाता। और शायद यही वजह है कि हम अस्पतालों के बाहर देखते हैं कि लोग टेंट लगा के या वहीं चादर तान करके वहीं खुले में सो जाते हैं, क्योंकि उनको इतने दिन तक रहना पड़ता है।
एग्जैक्टली और बहुत सारे लोग जैसे कि प्रत्युष जी ने पॉइंट आउट किया कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो वो इतना समय दे नहीं पाते। वर्किंग पेरेंट्स से यहाँ आपका मतलब मजदूरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली मजदूरी कर रहे हैं तो इस करके उन बच्चों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। दूसरा मेन कारण मुझे लगता है कि जैसे बाहर की कंट्री में बॉस्टन में और जापान में मैंने देखा कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलती है, एक ही जगह पे कुछ स्पेशलिस्ट एक पर्टिकुलर डे पे इकट्ठे होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे जो बच्चे देखते हैं ज़्यादातर स्पेशल नीड्स के सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं जिनको एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, वो सारे एक जगह पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन बच्चों को मिल नहीं पाते हैं और उसके चक्कर में वो घूमते रहते हैं और कभी भी एक जॉइंट ओपिनियन नहीं मिल पाता, इसीलिए प्रॉपर इलाज उनका हो नहीं पाता। हमारे साथ स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, सोनी हैं। सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने सारे बच्चों के साथ काम करती हैं, जब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या वजह है कि इन बच्चों के माता पिता इनको यहाँ भेज रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में नहीं भेज रहे हैं? आजकल फीस ही इतनी ज़्यादा है, आप अगर प्राइवेट में जाओ तो लाइक 600-700 पर सेशन दे आर टेकिंग एंड गवर्नमेंट दे डोंट हैव। अगर एम्स में जाते हैं तो आप देख सकते हो कि एक अपॉइंटमेंट ले लेंगे और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट विद विल बी आफ्टर 2 मंथ्स। और खासतौर पे स्पीच थेरेपी जैसी चीजों को नॉन एसेंशियल मान लेते होंगे। तो रेगुलर बेसिस में हमें चाहिए तो वो 2 मंथ्स के बाद पे नेक्स्ट विजिट दे आर गिविंग फॉर दैट एंड तो वो दिक्कत ये भी अहम हो जाता है। अगर चीज इमरजेंसी ना हो या जो दिखाई नहीं दे रही हो, इस बीमारी को अक्सर हम लोग दरकिनार कर देते हैं। डॉक्टर अंकिता इन्फेक्शियस डिजीजेस की डॉक्टर हैं और वो तो ऐसी चीज होती है एकदम अक्यूट ही होती है, हमेशा अचानक से उठती है और बच्चे को अगर हो जाए तो दिक्कतें आती हैं। अक्सर हम सरकारी अस्पतालों में देखते हैं कि आंकड़े जब आते हैं तो बहुत बढ़ते जाते हैं, क्या वजह रहती है कि खास और ये ज्यादातर डिजीजेस इन्फेक्शियस ही होती, क्या वजह होती है कि ये आंकड़े ऐसे सडनली स्पर्ट कर जाते हैं और हर साल होता है और फिर भी उसकी रोकथाम नहीं हो पाती है? इम्पोर्टेंट है ओवरक्राउडिंग, जो अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है वहाँ पर ओवरक्राउडिंग इतना ज़्यादा है कि इफ़ इन्फेक्शन अकर्स इट ट्रेवल्स इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट एंड दीज नंबर्स जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में समटाइम्स दीज नंबर्स आर नॉट ईजिली केटर्ड। लाइक जो अभी जो हमारा मुजफ्फरपुर वाला आउटब्रेक दैट इज़ गोइंग ऑन, सो स्टिल अ लॉट ऑफ डिबेट इज़ हैपनिंग वेदर वॉट काइंड ऑफ इट इज़ एक्चुअली अ वायरस इन्फेक्शन और सम काइंड ऑफ शोध की कमी रेस येस तो दैट इज स्टिल टू बी रिसर्च आउट की वॉट इज बेसिकली इट इज़ एन इन्फेक्शन और इट इज़ बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन that some toxin is there in the lychee and over consumption of that after the overnight fasting it is actually causing the disease because of hypoglycemia encephalopathy so that is still to come out but the problem is overcrowding lack of awareness lack of treatment facilities thoda hindi mein bolenge lekin main aap se ek sawal aur puchna chahungi aap keh rahi hain overcrowding main ye bhi janna chahti hu ki jab 10 saal guzar jate hain aur overcrowding ki problem lagatar chalti rehti hai to kyun nahi infrastructure badha diya jata aapko pata hai ki कल अगले साल भी हमको 2 बच्चे एक बेड पे 3 बच्चे एक बेड पे करने जाएंगे, आपको लगता है सरकार उस रेशो में नहीं बढ़ाती है जिस रेशो में जनता की जनसंख्या जिस रेशो में बढ़ रही है? यस तो दैट इज ये प्रॉब्लम तो है हमारी अभी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में कि जिस नंबर से हमारे पेशेंट्स हैं उस नंबर में ना डॉक्टर्स हैं ना हमारे पास बेड फैसिलिटीज हैं। अगर हम एम्स जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर 1 patient and 1 bed दिस इज़ द पॉलिसी, बट इसमें ये होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनको भी इलाज की ज़रूरत है इस हायर सेंटर की ज़रूरत है दे आर मिस्ड आउट, उनको हम नहीं भर्ती कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि फैसिलिटीज़ को बढ़ाना होगा, हम सरकार को इस चीज़ इस तरफ देखना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना होगा, दैट कैन कम वो हम तभी आ सकता है जब एजुकेशन जो शिक्षा प्रोवाइड की जाए बच्चों को और हाँ जी तो चलिए हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, हम ये बात करते रहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में बच्चों तक हेल्थ केयर जो कि सरकार देना चाहती है वो नहीं पहुंच पाता और हम उनके परिवार वालों से भी बात करेंगे, यहाँ हम एक पेरेंट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं वो अपने बच्चों को सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं और बच्चों से भी पूछते हैं आखिर वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा आज कर रहे हैं कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में जो मौतें हो रही हैं बच्चों की उसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, किस
किसको हम इसका जिम्मेदार माने, एक शख्स या एक चीज पर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। ये पूरा तंत्र है जिस पर हम सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह कि हम यहाँ पर मौजूद हैं इतने सारे बच्चों के बीच में, ये डॉक्टर्स के साथ, और एक खास हमारे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं वो एक पिता हैं जिनके 3 बच्चे इसी सेंटर में आए हुए हैं और वो लगातार यहाँ पर आते हैं। अनवर उनका नाम है। अनवर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं? अगर बीमारी होती है, छोटी मोटी शुरुआती बीमारी होती है, तो कहाँ भेजते हैं? छोटी मोटी बीमारी होती है तो यहीं सही करा लेते हैं, अगर ज्यादा ही बढ़ जाती है तो फिर सफदरजंग ले जाते हैं। तो सफदरजंग तो आपको यहाँ से बहुत दूर पड़ता होगा? पड़ता तो दूर है, ज्यादा यानी के आधा घंटा लग जाता है। और खर्चा कितना आता है? खर्चा मान लो 100-200 रुपए आ जाता है। जाते कैसे हैं? ऑटो से चले जाते हैं। ऑटो से चले? जी जी। तो ऐसा जब होता है कि बच्चा बीमार है, छोटी मोटी बीमारी है, तब आपके पास वक्त होता है कि इसको लेके जाएं अस्पताल? या निकालना पड़ता है मैडम, वक्त तो नहीं होता, निकालना पड़ता है। तो क्यों यहाँ भेजते हैं, सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं? सरकारी में ही तो भेजते हैं वो सफदरजंग, मतलब शुरुआत में ही सरकारी में क्यों नहीं जाते किसी प्राइमरी आसपास के किसी हेल्थ के? हाँ, उसमें जो है खर्चा ज्यादा जाता है मैडम, इसलिए नहीं जाते। छोटी कमाई है, खर्चे आजकल ज्यादा है, इसलिए नहीं जा पाते। ठीक है। और आपको पता है यहाँ आसपास कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की जानकारी या आसपास कोई सरकारी कोई भी अस्पताल छोटा वाला, कुछ है आइडिया आपको इसके बारे में? है, कोई बताते हैं यहाँ, कोई है, लेकिन आपको सही कहा है, नहीं पता। हाँ। तो चलिए, ये दर्शाता है कि आपके सबसे पास में कौन सा ऐसा हेल्थ केयर सेंटर है उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं है उनके पास जानकारी तो उनको बताने वाला कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि आसपास कि अगर आपको बीमार हो गए हैं तो आप कहाँ जाएं? तो ये बड़ा सवाल बन जाता है। कई इलाकों में लोगों को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन बताए? गवर्नमेंट को आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे जैसे जो लोग हैं, जो लोग लोगों के साथ काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। हम सब लोगों की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम लोगों को अवेयर करें कि कौन सा हेल्थ सेंटर है। बट क्वेश्चन फिर वहीं आता है कि सुविधाएं एडिक्वेट हैं कि नहीं वहाँ। हम भेज तो देते हैं, बट अगर उनको वैक्सीनेशन वहाँ नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती, तो फिर परेशान होते हैं। अगर उनके पास पेपर नहीं होता कई बार तो वहाँ से लोग घुमा। किस पेपर की बात कर? आधार कार्ड हो या कोई भी लोकल, जैसे मैंने बताया कई सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं और उनके ये बच्चे प्रूफ करना कि आप यहीं के रहने यहीं के रहने वाले हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और जब आप लोकल नहीं है तो आपको जानकारी भी नहीं होती और वहाँ पर वो ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता आपको जो मिलना चाहिए। तो कई लोग तो यहाँ बाहर से काम करने आते होंगे, तो उनको तो ना भाषा सही तरीके से आती है, ना उनके पास ऐसे कह रहे हैं पेपर, तो वो लोग किस तरीके से हेल्थ केयर से कि जो एक कहेंगे एक हेल्थ केयर की छन्नी से निकल जाते हैं, उसके छेद से निकल जाते हैं? मेरे ख्याल से अवेयरनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें हम करते हैं अवेयर, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितने भी लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके सबको फैमिली मेम्बर्स को हम बताते हैं कि यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है जो वसंत कुंज में, हम जो जहाँ पे हम जाके फ्री OPDs करते हैं, आप यहाँ पे आके अपना फ्री चेकअप करा सकते हैं। एज ए डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ तो फिर देन यस, उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है, दैट इज़ फॉर श्योर। अनलेस कि लाइक इवन अगर एडल्ट भी हो, जब तक कि हमें पेन नहीं होता देन हम तब तक कोई डेंटिस्ट के पास जाता नहीं है। बट येस, इट इज़ मैंडेटरी आप हर 6 मंथ्स में 8 मंथ्स में एक बार जाके अपना इवेल्यूएट करा लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो बच्चों, और ये तो मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोग तो फिर भी कर सकते हैं, जो इस तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं जो डॉक्टर अंकिता ने बताया, माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में, 50% से ज्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे उनकी कोई भी स्पेशलिटी हो, वो ये जानते हैं। राइट। और जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे वायरस का अटैक हुआ या कोई भी हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो जल्दी सफर करते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो इसलिए हमें उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, वहाँ भी वही प्रॉब्लम आती है, वो माइग्रेंट्स के बच्चे हैं या उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो मिड डे मील भी नहीं मिलता। हम लोग बच्चों से पूछते हैं, कई सारे बच्चे जो सिर्फ एक बार खाना खाते हैं या तो सुबह में या रात में, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और वो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसके कारण। आपसे भी डॉक्टर जानना चाहेंगे, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करती हैं, अगेन बहुत स्पेशलाइज्ड है, लेकिन यहाँ कोशिश है कि इन बच्चों को भी वो दिलाई जाए, लेकिन अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ पे तो लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के लिए भी नहीं मिल रहा है इलाज। आपसे जानना चाहेंगे, आपके ओपिनियन रखती हैं बाकी लोगों तक हेल्थ केयर पहुँचने के बारे में।
I feel still there is a lot of gap in the medical field in this particular segment जिसकी बात हम कर रहे हैं बच्चे जो special needs के साथ होते हैं अभी भी हमारे इंडिया में इसके लिए अवेयरनेस बहुत कम है मोर देन अवेयरनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एक्सेसिबिलिटी लाइक देर आर लॉट ऑफ एनजीओज वर्किंग इन दिस फील्ड वेयर इन अंडर वन अम्ब्रेला हमारे पास सारी फैसिलिटीज आती हैं लाइक स्पेशल एजुकेशन फिजिकल थेरेपी नीड डेंटल चेकअप्स एंड ऑल एक्सेसिबिलिटी से मेरा मतलब ये है क्योंकि ये जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इन वर्क के हिसाब से ये लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही महंगे इलाज हैं बहुत ही लंबे चलने वाले इलाज हैं इसमें ज़्यादा फ़र्क आने वाला नहीं है सो एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक डेली वेजेस पीपल उनको ऐसा लगता है अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो उनका आधा दिन बच्चे को ले जाने में लग जाएगा आधा दिन की बीमारी होती है जैसे हार्ट बेसिकली ये शारीरिक और मानसिक विकास की बीमारी होती है जिसमें वो उनके लिए बीमारी नहीं होती है बच्चे को कुछ हो गया था तो जन्म से ही ऐसा पैदा हुआ है सो आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा जागरूकता लाने की ज़रूरत है लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है ये मैसेज कि हाँ हमारे पास बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको वो बहुत ईजिली रीच आउट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं बहुत बढ़िया जो उन्होंने बताया कि जब मुजफ्फरपुर जैसी जगह में चमकी बुखार जैसे वहाँ कॉमनली कहा जाता है वहाँ पे जब बच्चा बिल्कुल बेड पे आकर के इस स्थिति में आ जाता है कि उसे वेंटिलेटर पे डाला जाए तब जाकर के वो लेके आते हैं बच्चे को अस्पताल में तो फिर अगर उसकी मानसिक माइलस्टोन्स नहीं क्रॉस हो रहे तो वो तो कभी वो देखेंगे नहीं शायद मजाक में उड़ा करके उसको साइडलाइन कर देंगे यहाँ कुछ बच्चे भी हैं बेटा आपका नाम बताओ और ये बताओ कि यहाँ आना क्यों अच्छा लगता है मेरा नाम तरन्नुम है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ जैसे कि हिंदी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को कुछ नहीं आता बच्चों को मतलब कि जब भी जो उनको नहीं आता वो सिखाती हूँ अच्छा तो आप तो टीचर ही बन गई हैं अभी हाँ चलिए ये बताइए कि सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं आप लोग जाना पसंद करते क्यों यहाँ पे अगर यहाँ के डॉक्टर के पास आप आती हैं यस मैम क्यों आती यहाँ क्यों आती है वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाती मैम वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आता है इसलिए हम अगर यहाँ पे नहीं अगर ठीक नहीं हो पाते तो हम लोग प्राइवेट में जाते हैं अगर प्राइवेट में जाते हैं अच्छा मतलब प्राइवेट में उसके बाद खर्चा कर लेते लेकिन ये नहीं कि सरकारी अस्पताल आपको पता भी है कि यहाँ आसपास कोई सरकारी अस्पताल है यस yes, मैम है कोई यस मैम मालूम है आपको देखा है नो मैम देखा नहीं है मैम अच्छा देखा नहीं है नो तो ये देखिए ये अहम हो जाता है कि अवेयरनेस या जागरूकता जो हम लगातार बात कर रहे हैं वो उसकी कमी हो तो जो आसान है जो आसपास में दिख जाता है इंसान वहीं चला जाता है उन्हें पता है यहाँ मुफ्त इलाज मिलेगा यहाँ इलाज मिलेगा आपको कोई ना कोई ज़रूर देखेगा आपको और जिस तरह से हमने बात की है सभी यहाँ पर डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं सीनियर हैं और वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं यानी कि उनके अंदर इच्छा है काम करने की आपको डांट नहीं पड़ेगी जब आप वहाँ जाएंगे तो बहुत अहम हो जाता है कि भारत में जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो हम खर्च कर रहे हैं जिसका सरकार का कहना है कि वो कुछ ही सालों में उसको हमारी जीडीपी का एक अहम टुकड़ा उसी पर खर्च करेगी लेकिन क्या ये वाकई में हो पाएगा या नहीं और सरकारी सिर्फ केंद्र की बात नहीं कर रहे राज्यों के स्तर पे भी ये विकास आ पाएगा या नहीं ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है कोई ये भी कह रहा था कि चीन से ज़्यादा शायद हमारे यहाँ पॉपुलेशन हो जाए लेकिन चीन से ज़्यादा क्या बेड हॉस्पिटल में चीन से ज़्यादा मेडिकल उपकरण क्या चीन से ज़्यादा अस्पताल हम बना पाएंगे अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा वो हम सभी देख पाएंगे पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही नमस्कार